कहा यह जा रहा था कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होने के सबसे बड़े दावेदार और अधिकारी हैं, लेकिन अचानक से यह सारा खेल बदल गया। 23-24 सालों से बनी उनकी पार्टी जो 2000 में बनी थी, वो पार्टी अब किसकी होगी? हम लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एक बार फिर से कहा जा रहा है कि वापस आएगी और उस पार्टी के साथ साथ उसका बंगला यानी सिंबल और जो उनका 12 जनपद है वो दोनों उन्हें वापस मिलेगा। खुलास पांडे से लेकर के राजू तिवारी से लेकर के ऐसे कई चेहरे लगातार उनके साथ जुड़ते चले गए जिनके प्रयास से चिराग पासवान बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब रहे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बिहार देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों ही गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के लीड करने वाली NDA हो या फिर अभी जो नया गठबंधन बना है इंडिया, वो दोनों ही कहीं ना कहीं बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार को लेकर के ही उसमें ज़्यादा चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार क्यों छोड़ करके चले आए, नीतीश कुमार उसके क्या बनेंगे, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के इतने दलों को एक साथ जोड़ करके आखिर बिहार में फोकस ज़्यादा क्यों किया। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा चल ही रही थी। इसी बीच में एक चर्चा चाचा भतीजा की भी आई। हम पहले इधर के चाचा भतीजा की बात करते हैं जो NDA में चिराग पासवान के शामिल होने के बाद माहौल बना है। चिराग पासवान NDA में शामिल हुए, विधिवत उनको चिट्ठी लिखी गई। इससे पहले भी चिराग पासवान को हमने बताया आपको और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत महसूस हुई चिराग पासवान को अपने लिए प्रयोग किया। अब जब समय आया तो चिराग पासवान को चिट्ठी देकर के उन्हें NDA का विधिवत हिस्सा बनाया गया एक बार फिर से, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते चिराग पासवान को NDA से बाहर जाना पड़ा था। पार्टी भी टूटी थी और परिवार भी टूटा था, बंगला भी छोड़ना पड़ा था और पद भी गया था। ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब जबकि चिराग पासवान एक बार फिर से NDA का हिस्सा बन गए हैं तो कई चर्चाएं हो रही हैं। उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ये हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो बाकी के सभी नेताओं से, लेकिन जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने चिराग पासवान से बातचीत किया, उन्हें गले लगाया, इस तरह की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से भी अप्रिशिएट करते रहे हैं चिराग पासवान को। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान के समय भी कई बार उन्होंने चिराग पासवान का नाम लिया और कहा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। अब चिराग पासवान एक बार फिर से अपनी पुरानी भूमिका में वापस चले गए हैं और नरेंद्र मोदी ने उस बात को स्वीकार भी कर लिया है। तो इसके साथ साथ ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि चाचा का क्या होगा। अब ये पूरा का पूरा गेंद जो है ना, वो चिराग पासवान के हाथ में है। हालांकि पशुपति कुमार पारस की टीम मजबूत दिखाई दे रही है। जब जून 2021 में दो खंड में बटी थी लोक जनशक्ति पार्टी, आपको पता है कि नवंबर में जब 2000 के नवंबर में चुनाव हुए, उस समय की स्थिति क्या थी, चिराग पासवान को बाहर का रास्ता NDA से देखना पड़ा था, अपने खुद 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और इस सारी प्रक्रिया में चिराग पासवान ने खुद को प्रूफ किया था। चिराग पासवान की पूरी टीम उनके साथ रही, लेकिन इन सब के बावजूद जब कुछ ही दिन हुए तो ऐसा लगने लगा कि पशुपति कुमार पारस लगातार नीतीश कुमार का बड़ाई करने लगे। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू हुई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पशुपति कुमार पारस और नीतीश कुमार कोई अलग प्लानिंग बना रहे हैं। जब जून में 13 तारीख को दो भाग में बट गई लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान 20 मिनट से ज़्यादा समय चाचा के दरवाजे पर खड़ा रहे और उन्होंने कहा कि गलतियों को क्षमा करके अगर कुछ हुई हो तो परिवार और पार्टी दोनों को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। बड़ी पिताजी ने बड़ी मुश्किल से इस पार्टी को पिछले 23-24 वर्षों में संभाल के रखा है, लेकिन पशुपति कुमार पारस का दरवाज़ा नहीं खुला और ये साफ हो गया कि अब ये संबंध, रिश्ता और पार्टी दोनों अलग अलग हो गई है। वक्त आया, पार्टी अलग हो गई। पशुपति कुमार पारस 5 सांसदों के साथ एक अलग पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना लिए, तो वहीं
चिराग पासवान को भी अपनी पार्टी बनानी पड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से उन्होंने बनाई। इसके साथ साथ उन्होंने अपने प्रयोग शुरू कर दिया, उनका प्रयोग काफ़ी सफल रहा, कई लोगों का साथ मिला। जहां एक तरफ उन्हें नीतीश कुमार के पुराने प्रतिद्वंदी और साथी सतीश कुमार का साथ मिला, तो वहीं उनके साथ अरुण कुमार जुड़े, खुलास पांडे से लेकर के राजू तिवारी से लेकर के ऐसे कई चेहरे लगातार उनके साथ जुड़ते चले गए, जिनके प्रयास से चिराग पासवान बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब रहे। उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाला और भर भर करके उन्हें आशीर्वाद भी मिला। हर किसी के दुख सुख में शामिल होने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया उसको लगातार कायम रखे, और पिछले 2 साल में जो कुछ भी देखने को मिला वो साफ नज़र आया कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस के 5 सांसदों के रहते हुए उन पर अपनी ज़्यादा मजबूत पकड़ बना ली है और अपने पिता के जो विरासत हैं उनको भी संभालने का काम किया है, उनके वोट बैंक को भी अपने पाले में रखने में कामयाब हुए हैं। और ये बातें अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई थी। अब चिराग पासवान NDA का हिस्सा हैं और NDA के हिस्सा होने के साथ ही ऑप्शन की भरमार उनके पास हो गई है। हाँ, आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने आज से करीब 1 साल पहले जब पार्टी अलग हुई थी तभी कहा था कि वक्त आएगा चिराग पासवान खुद को प्रूफ करेंगे, और ये बातें अब सामने नज़र आने लगी है। उन्होंने कहा था कि पार्टी को, सिंबल को और परिवार को अगर समेटने का किसी के पास मादा है तो वो चिराग पासवान है, और जो अपने आप को, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को जमीन में झोंका है, जिस तरह से बिहार की राजनीति में उन्होंने पल पल अपने आप को प्रूफ किया है, अपडेट किया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब नई पीढ़ी के युवा नेताओं में से एक मजबूत नेता बन गए हैं देखने को मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही उन्हें गले लगाते हैं उसके बाद से तो चर्चाएं तेज हो ही जाती है। इसके बाद अब चिराग पासवान के पास ऑप्शन के भरमार हो गए हैं। एक तरफ आपने देखा कि उस मीटिंग में चाचा ने भी चिराग पासवान को गले लगाया, हालांकि उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन अब जो स्थिति है कि पिछले 23-24 सालों से बनी उनकी पार्टी जो 2000 में बनी थी वो पार्टी अब किसकी होगी, हम लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एक बार फिर से कहा जा रहा है कि वापस आएगी, और उस पार्टी के साथ साथ उसका बंगला यानी सिंबल और जो उनका 12 जनपद है वो दोनों उन्हें वापस मिलेगा। हालांकि जिस दुख के साथ उन्हें वो बंगला छोड़ना पड़ा था वो एक विकट परिस्थिति थी, और इस बात का उम्मीद अंदेशा चिराग पासवान को भी नहीं था। बड़े बेआबरू होकर के निकले थे, लेकिन ये सरकारी प्रक्रिया है और इससे भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। खैर, अब जो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी वापस होगी या नहीं होगी, लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, इसकी लड़ाई अभी तक चल रही है, और चाचा भतीजा दोनों दो नाम से पार्टी चला रहे हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी जीवित है या फिर उसे जिस अवस्था में छोड़ा गया था उसके बाद वहाँ से निरस्त हो गई है, कहा तो ये जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी पर दावा चिराग पासवान ने ठोका है और पार्टी उन्हें वापस मिल जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान ने ये पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें उनकी पार्टी और उनके पिता की विरासत वापस चाहिए। इसके साथ साथ जो बंगला चुनाव चिन्ह है वो भी उन्हें वापस चाहिए। अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन सारे ऑप्शनों में से अधिकांश ऑप्शन चिराग पासवान चुनने के लिए अधिकृत हैं, तो पार्टी के साथ साथ बंगला चाहिए उन्हें, और इसके साथ साथ जिस तरह से पशुपति कुमार पारस और उनकी 5 लोगों की टीम, अधिकांश लोग चिराग पासवान से मिलने जुलने का कार्यक्रम तेज कर दिए हैं, वो बता रहा है कि अब परिवार भी उनके पक्ष में उनके साथ आकर के खड़ा होगा। ये 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन जो है वो है पद का। कहा यह जा रहा था कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होने के सबसे बड़े दावेदार और अधिकारी हैं, लेकिन अचानक से यह सारा खेल बदल गया और नीतीश कुमार कहा जाता है कि अपना 2020 में चिराग पासवान ने जो उनके साथ किया, उनकी सीटें कम हुई, उनके विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतारे और उसका बदला
2021 में पशुपति कुमार पारस को सामने खड़ा करके नीतीश कुमार ने ले लिया और भारतीय जनता पार्टी सरकार में बने रहने के लिए बिहार में अंततः नीतीश कुमार का साथ देने के लिए मूक बधिर की तरह सब कुछ सुनती और देखती रही, लेकिन बोला एक शब्द नहीं। अब इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान का फिर याद पड़ा जब नीतीश कुमार ने एक बार झटका दिया और भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से बेदखल हो गई। अब चिराग पासवान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसके अलावा भी कई ऑप्शन हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चाचा क्या करते हैं, लेकिन चिराग के साथ तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है और यहाँ खेल अलग बदलने वाला है। आपने देखा होगा कि स्वर और सुर दोनों पशुपति कुमार पारस गुट के बदल गए हैं। इसका मतलब है कि चिराग पासवान को पहले ही दाव में बढ़त हासिल हो गया है। अब ये शतरंज की बिसात आगे किस लेवल पे जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।